से खबर। ऐतिहासिक मां शाकुंभरी देवी के मेले में भक्तों की भीड़ रही, जानिए पूरी खबर। नारसन ब्लॉक के मोहम्मदपुर जट में मां शाकुंभरी देवी के मंदिर में अब लगातार चार दिनों तक भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी। आपको बता दें, मोहम्मदपुर जट में गंग नहर के किनारे पर स्थित मां शाकुंभरी देवी का मंदिर उस वक्त से स्थापित है जब गंग नहर का निर्माण भी नहीं हुआ था, पर धीरे धीरे इस मेले को इतनी प्रसिद्धि मिली कि दूर दूर से लोग यहाँ पहुंचने लगे हैं। पहले ये मेला दो दिन का हुआ करता था, अब देवभूमि संस्कृति सेवा समिति के अथक प्रयासों के बाद इसे 40 दिनों का कर दिया गया। वहीं इसे पर्यटन विभाग ने भी ऐतिहासिक मंदिर बताते हुए कहा कि नहर किनारे बना मंदिर एक अनूठी मिसाल पेश करता है। हम पूर्ण रूप से जो हमें हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें बताया इस देवी माँ शाकुंभरी माता का, इस शक्ति के बारे में हमें आभास कराया, हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं जो हमारे इस यहाँ क्षेत्र में शक्ति का आभास हुआ। और जब से इस सिद्धपीठ मंदिर की स्थापना कराई गई उस उपलक्ष्य को लेके, तो उस दिशा में लोगों का और भक्तों का दूर दराज से यहाँ से आने वालों की आस्था इस तरह से प्रसिद्ध है, क्योंकि लोग जो भावनाएं और मनोकामनाएं लेकर आते हैं वे उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है, वो इस बात को लेकर यह प्रसिद्ध है मंदिर। तो अब हमने इसमें और अपना कुछ और बेहतर करने के लिए कदम उठाए और हमने अपने प्रशासन शासन से हमने प्रयास किया, पर्यटन विभाग और अपने जो विभागीय अधिकारी उनसे हमने भेंट की, तो उसमें हमें यहाँ से सर्वे के अनुसार पता चला, उनके सर्वे के अनुसार कि उत्तराखंड की सबसे सुंदर जगह पाई गई है। ऐसी सुंदर जगह जहाँ गंग नहर के बीच एक ऐसी शांति प्रदूषण से रहित इस मंदिर का भव्य जो स्वरूप है इसे बढ़ाया जाए और इसका पर्यटक क्षेत्र के अनुसार इसे विख्यात किया जाए आगे, और इसकी इस अभिलाषा को लेकर भक्तों की आस्था को लेकर इसमें और कदम उठाए जाए, उसमें हम जो भी हमसे बन सकते हैं हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो माता शाकुंभरी का मेला है, ये दिव्य स्थान है, भव्य और दिव्य स्थान पर ये मेले का आयोजन हो रहा है। सबसे पहले तो मैं जिसके आयोजक मंडल है, पूरी टीम है और पूरा मोहम्मदपुर गांव इसमें लगा है, इन्हें बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और जितना भव्य आयोजन हो रहा है, मैं तो माता से प्रार्थना करता हूँ, हे माता अपने भक्तों पर और हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। और इस क्षेत्र का जो मेला होता है ना, ये सांस्कृतिक धरोहर है हमारी, हमें इन्हें संजो कर रखना चाहिए। ये दोबारा पहले कुछ कम स्थिति में हो गया था, लेकिन अब की बार पुनः अपने पूरे जो होश जोश में देख रहा है। और मैं बधाई देता हूँ प्रधान संजय भाई और पूरी टीम और सब गांव वालों को कि हम उस दिशा में अपनी संस्कृति को बचाने की दिशा में जो काम कर रहे हैं वो वाकई बधाई के पात्र हैं। और हम सबको, हमारे क्षेत्रवासी हैं, उन्हें सब कुछ का विशेष ध्यान रखते हुए तरीके से सब बता के साथ में मंदिर में आए, दर्शन करें और धर्म लाभ। सचमुच यही बात है। अब पहले मेला दो दिन का होता था, अब की बार इन सब के प्रयास से और मैं भी लगा इसमें, ये मेला चार दिन का है, दो दिन दंगल होगा, दो दिन मेले का आयोजन, चार दिन मेले का आयोजन चलेगा और आने वाले टाइम में ये बहुत भव्य और दिव्य होने जा रहा है। ये सब लोग देखने के लिए आएंगे, जो यहाँ एंट्री करेगा इस प्रदेश में वो यहाँ जरूर दर्शन करके जाए। सुरक्षा और साफ सफाई की व्यवस्था पूर्ण रूप से बिल्कुल सही है, अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो उसे दोबारा देख लिया जाएगा, कोई किसी किस्म की कोई कमी नजर नहीं। हमारे बुजुर्ग बताते थे कि तब ये नहर यहाँ बनी, पारोस बन रहा था, जो परंपरा चला रही, हमारे बड़ों ने बताया, हमारे अब्बा वगैरह ने बताया, हम अब्बा जी ने, कि जब ये पारोस यहाँ बन रहा था तो यहाँ के जो कल्लू ठेकेदार थे उनका नाम लिखा, बल्कि यहाँ बोर्ड लग रहा कल्लू ठेकेदार का, वो बार बार यहाँ प्रयास करते तो यहाँ पर मशीन रुक नहीं पा रही थी इनकी, ना लिमिटर रुक पा रहा था। तो रात को कल्लू ठेकेदार के सपने में आई माता ने, तो प्रकट किया कि मेरा मंदिर बड़ा स्थान बना जा तो आपका कार्य सफल होगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पर मंदिर स्थापना करी गई, करीबन ये 1857 की बात है, जाती है ये पर बना था, जो तो ऊपर लिखी हुई यहाँ पर मंदिर को कल्लू ठेकेदार ने बनवाया है। और ये चौधरी गोवर्धन सिंह दोनों भाई थे, रतन सिंह गोवर्धन सिंह ने 9 बीघे जमीन दान करी मंदिर के नाम, फिर ये पोस्ट दान कर रखी उन्होंने कि मंदिर बना जा, तब ये मंदिर बना।
माता का और सिद्धपीठ मंदिर है और तब से यहाँ परंपरा चला रहे हैं। लोग बड़ी मान्यता है, बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं, यहाँ से कई कई सौ किलोमीटर दूर से आते हैं। हमारी दंगल यहाँ बहुत प्रसिद्ध पहले से पड़ता है, दो दिन का, साल भर में दो बार मेला लगता है, एक दिन का लगता है। इस बार जो लगा चार दिन का लग रहा है, पहला दो दिन का होता था, चार दिन का हाथ दो दिन का दंगल है इसमें, और लाखों आदमी आवे यहाँ। और हम लोग चाहते हैं ग्राम मोहम्मदपुर जो ग्रामवासी और क्षेत्रवासी चाहते हैं कि मेरा और भव्य बनो, लोग देखना हो, और यहाँ पर्यटन स्थल बनो, और हमारी गवर्नमेंट भी सहयोग कर रही है हमारे।